जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अपने जीवन का सिर्फ 5 मिनट ज़ाया करके पा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स पाने के लिए आपको गूगल फॉर्म में एक टेस्ट देना पड़ेगा विच विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके CV पे कितना वैल्यू ऐड करेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जितने भी सर्टिफिकेट्स है इतनी जल्दी मिल रहा है, लेकिन जब ये सर्टिफिकेट्स मिल ही रहा है आपको फ्री में और इतनी जल्दी ही, तो उसको लेने में बुराई क्या है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 ऐसे सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करूँगा, तो ज़रूर देखिए वीडियो को। लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहला जो हमारा सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूशंस टेक्निकल कैंपस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पहले हमको क्या करना है, हमको पहले ईमेल एड्रेस लिखना है अपना। ईमेल एड्रेस पहले हम लिख लेते हैं, चलिए ईमेल एड्रेस। फिर लिखने के बाद हम लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखना पड़ेगा विथ सैल्यूटेशंस। तो चलिए लिख लेते हैं हम अपना नाम। आफ्टर राइटिंग आवर नेम हमें अपना डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमको अपना कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी का नाम। और फिर हमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट में आप क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग नेक्स्ट आप देख सकते हो कि सारे क्विजेस का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सारे क्विजेस के आंसर को आपको भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद और भी इतने सारे और भी शायद 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी आपको कंप्लीट फिलअप करना है। मैंने लिंक में इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, आप करके ये पूरा कंप्लीट कर लेना। अब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कुछ इस तरह का दिखने में होगा। और ये सर्टिफिकेट्स एक दिन में सिर्फ 100 ही बनते हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक चीज़ है कि मुझे पता है कि मैंने आंसर्स लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने नॉलेज से जितना हो सके ये कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा है। लेकिन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वहाँ पे जाके भी आप अपना आंसर्स देख सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारा तिगाला कृष्णा रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी पहले हमको ईमेल एड्रेस लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। ओके, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अब हम लिखेंगे अपना नाम, एंड नाम लिखने के बाद हमको अपना प्रोफेशन लिखना है या डेजिग्नेशन, तो दे देते हैं। उसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन के बाद आपका सिटी। ये सारे जो फॉर्म है मैं इस सारे फॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी, आपके मोबाइल नंबर भी आप लिख देना, प्रेफरेबली व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद आता है आपका क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पूरा हमको फिलअप करना है फिर से जैसे कि पहले वाले की तरह। और उसके बाद हमको एकदम एंड में आई थिंक 25 क्वेश्चंस है, हाँ एंड में आके हमको सबमिट करना है इसको। आफ्टर सबमिशन कुछ ऐसा ही एक सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा अपने जीमेल अकाउंट में। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात कहता हूँ कि ये जितने भी सर्टिफिकेट्स मैंने लिए हैं ये टेस्ट देने के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही मुझे मिल गया था ये सर्टिफिकेट्स। लेकिन हो सकता है कि शायद ऐसा आपके क्षेत्र में ना हो, हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है 24 घंटा ही लग जाए, लेकिन आप वेट करना, आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा अगर आप टेस्ट में पास होते हो तो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर है, तो चलिए पहले ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं अपना। और जैसे कि देख सकते हो आप वेरिडियन माइक्रोलैब प्राइवेट लिमिटेड ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ईमेल एड्रेस लिख लिया हमने। अब फुल नेम लिखना है आपको,
फुल नेम लिख लेते हैं, चलिए। उसके बाद फिर से आपका इंस्टीट्यूशन नेम, एंड आफ्टर राइटिंग योर इंस्टीट्यूशन नेम आपका डेजिग्नेशन, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एंड आफ्टर दैट आपका स्टेट एंड कंट्री नेम। और उसके बाद ही आ जाता है आपका क्वेश्चंस। तो ये जितने क्वेश्चंस है, यहाँ पे भी शायद 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस आप जब मतलब लिख लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको इसको भी सबमिट करना होता है। सबमिट करने से पहले आप अपना सजेशन दे सकते हो कि कौन से टॉपिक में आपको चाहिए, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। और सबमिशन के बाद बाकी दो सर्टिफिकेट्स की तरह ही ये सर्टिफिकेट भी आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। एक बात स्पेसिफिकली ये सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूं आपको कि विद इन 20th अक्टूबर ये सर्टिफिकेट मतलब ये क्विज जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी ये क्विज कर लेना, ये सर्टिफिकेट ले लेना। तो इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया वीडियो, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर हो सके तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।